बीजेपी विधायक संजय पाठक पर कांग्रेस में जाने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। संजय पाठक ने एक के बाद एक ट्वीट कर बताया कि वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। संजय पाठक ने इसके साथ एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। संपूर्ण मीडिया के सभी साथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि कोई कुछ भी बात फैला देता है तो उसके पीछे मत जाया करिए। मैं कल किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात मेरी ना हुई है, ना उनके घर गया हूं, ना ही फोन पे बात हुई है। और जो क्लिपिंग दिखाई जा रही है वो क्लिपिंग भी मेरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसकी पूरी क्लिपिंग की सत्यता की जांच करें, गाड़ी में कौन था उसकी जांच करें, गाड़ी के नंबर सब पता चल जाएगा। और उसमें देखो कलम भी थी उसमें, नहीं थी उसमें, हमारी कलम क्या रात भर में बढ़ा लूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता हूं तो मेरे ऊपर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कल रात के भी ऐसा प्रयास कुछ हुआ है, मैं उसकी सत्यता बाद में आप सबके सामने लाऊंगा, कि सारी कपड़ों में 3 गाड़ियां मेरे पीछे लगी और मेरे को अपहरण का प्रयास किया गया। और मुझे शंका है कि ये राजनीतिक इनके सरकार के खेल में कहीं ऐसा ना हो मेरे को अपहरण करके मेरे को मार के कहीं फेंक दिया जाए। और मेरी स्थिति ये है कि भारी दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं मीडिया के साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि संजय पाठक आज तक सर झुका के या छुपा के नहीं चला है, सर उठा के ही चला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सर कलम कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लग रहे हैं और वहाँ पे माइनिंग की जो आपके कारोबार था उस पर भी कहीं ना कहीं वो किया जा रहा है। देखिए राजनीति का इतना घिनौना रूप अब सामने आ गया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपका व्यापार, घर, परिवार सबको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। या तो आप हमारी बात मानेंगे तो सब खत्म कर दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको जीने नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति आ गई कि अब केवल मेरे को मारा है, मेरे व्यापार, मेरे परिवार की खदानें बंद करके 1200 परिवार पल रहे हैं। आप एक को तो नौकरी नहीं दे पा रहे लेकिन 1200 लोगों के घर परिवार, उनका नौकरी छीन लिया लोगों ने, तो बहुत घिनौना रूप है। मध्य प्रदेश की राजनीति इस घृणित दौर से गुजर रही है कि शायद ही मध्य प्रदेश के गठन के समय जो सपना देखा गया होगा इसका, विकास का, वो सपना देखने वाले आज आंसू बहा रहे होंगे ऊपर से बैठ के। और ये रूप नहीं होना चाहिए कि राजनीति में किसी की हत्या तक करा दी जाए, उठा लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, सिर्फ इस बात पे कि मैं भाजपा नहीं छोड़ रहा हूँ। दरअसल गुरुवार शाम को ऐसी खबर आई कि संजय पाठक ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि संजय पाठक बीजेपी का पाला छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि संजय पाठक बीजेपी विधायक के साथ ही बड़े खनन कारोबारी भी हैं। हाल ही में जबलपुर कलेक्टर ने संजय पाठक के 2 लौह अयस्क खदानों को बंद करा दिया था। दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया था कि संजय पाठक ही कथित हॉर्स ट्रेडिंग में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।